It is very important to raise this issue on your channel today. The highly loquacious Amar Singh, who replies to everything with a filmy song reference, is maintaining a conspicuous silence. Yeah, why? I wonder why. I don't know why. I can't read those silences anymore. Ashok Argal ji. Ashok Argal, member of parliament of the BJP. Argal ji, coming to you, Mr. Beth. Argal ji, ye bataiye hamein ki aapko kisne kaha jab ye sting operation hui to क्या आपके पार्टी हाईकमान आपको कह रहे थे कि ऐसा स्टिंग कीजिए, ऐसे ऑर्गेनाइज कीजिए? किसके साथ आप संपर्क में थे उस वक्त? और क्या आपको भी डर है अभी कि आपके दो जो पुराने जो एक्स एमपीज हैं उनको जेल भेजा गया है, कि आपको भी डर है कि आपको भी अगला नंबर आपका है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैं 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ. 3 वर्षों में दिल्ली पुलिस का कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया. दिल्ली पुलिस कितनी जागरूक है, जब दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है तब वो खड़ी होती है. उसके बाद भी आप देखिए कि दिल्ली पुलिस सच्चाई पे नहीं गई. अमर सिंह कोई प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं थे. लाभ किसको हुआ? यूपीए की सरकार अलमत में आ गई थी. यूपीए के किसी भी व्यक्ति से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ नहीं करना, और संसदीय समिति से भी हमको न्याय नहीं मिला. हमने उस समय भी कहा था, संसदीय समिति के भी आपके, हम फैसले से सहमत आपके नहीं थे. घर में आप मुझे आपको मैं स्पेसिफिक सवाल पूछता, आप स्पेसिफिक सवाल दीजिए. क्या ये सच है कि नहीं कि एक करोड़ का एडवांस, अ 1 करोड़ एडवांस वॉज पेड एट योर रेजिडेंस, आपके घर में 11 बजे 22 जुलाई को 11 बजे आपको आपके घर में 1 करोड़ रुपए की एडवांस दी गई थी? ये सच है कि नहीं? 4 फिरोज शाह कोटला मार्ग जो आपका रेजिडेंस है, वहां पे 1 करोड़ रुपीज वॉज पेड ऑन नॉट? 4 फिरोज शाह मार्ग है, 4 फिरोज शाह रोड है, कोटला मार्ग नहीं है. और मैंने पहले भी कहा है कि संजीव सक्सेना मेरे घर 1 करोड़ रुपए लेके आए, ये और रिकॉर्ड है. तो मैं कैसे ये बात मान लूं? अमर सिंह जी ने भिजवाई संजीव सक्सेन. मैं कैसे ये बात मान लूं कि आप इस केस में ब्राइब टेकर नहीं है? आप ब्राइब टेकर हैं. देखिए, मैं कोई उसका लाभार्थी नहीं हूं. यदि मैं लाभार्थी होता तो पैसे को पार्लियामेंट में लेके नहीं जाता. नहीं, ये कैसे नहीं मान ले, रिकॉर्डिंग नहीं करवाता. ये कैसे नहीं मान ले कि आप पैसे लेने वाले थे, आपके पार्टी को इस बारे में पता चला, और आपके पार्टी ने आपको कहा कि या तो आप अभी ये स्टिंग ऑपरेशन कराइए, नहीं तो आपको पार्टी से निलंबित करके आपको राजनीतिक जीवन से आपको त्याग करना पड़ेगा. आपको अभी यह नहीं मालूम अशोक अर्गल किस स्थान से है. अशोक अर्गल मध्य प्रदेश के चंबल के भिंड और मुरैना से, दोनों जगह से ही मैं चूंकि लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ. और आपको यह भी नहीं मालूम मेरे पिताजी लेट श्री छविराम अर्गल. आप मेरे प्रश्न का सवाल की में आप मेरे प्रश्न का इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, आप मेरे प्रश्न का उत्तर जवाब दीजिए. आपके घर में 1 करोड़ रुपए का एडवांस क्यों दिया गया? आपके ही घर में क्यों दिया गया? जे आप यूपीए के लोगों से पूछिए और अमर सिंह जी से पूछिए जेल जाकर. नहीं, सुधींद्र कुलकर्णी का क्या हाथ था? सुधीर कुलकर्णी मेरे सहयोगी रहे इस मामले को उजागर कराने में. सुधींद्र कुलकर्णी ना ही बीजेपी के, सुधींद्र कुलकर्णी ना ही बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है कि बीजेपी के अध्यक्ष है. आप उनकी बात क्यों मान रहे थे? आपको मालूम है कि सुधीर कुलकर्णी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं? नहीं, सहयोगी तो बहुत है, मगर ना वो जनरल सेक्रेटरी है ना प्रेसिडेंट है. आप उनकी बात क्यों मान रहे थे? आपको यह तो मालूम है कि यूपीए की सरकार अलमत में आ गई थी. नहीं, आप उनकी बात क्यों मान रहे थे? वो उस समय की हिस्ट्री सबको पता है, आप उनके बात क्यों मान रहे थे? वो मेरे सहयोगी थे. ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं इसको आपको बता देता हूं. व्यक्तिगत कैसे हो सकता है अर्गल जी? ये व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी योर पर्सनल अफेयर? ये व्यक्तिगत मामला, इट्स नॉट योर पर्सनल अफेयर. यदि मैं इसको आप सच यदि मैं इसको उजागर कर देता उसी समय,
तब ये स्ट्रिंग नहीं हो पाता। नहीं, आप आपने तब उजागर नहीं किया, आप आज इस प्रोग्राम पे प्लीज उजागर कीजिए। नहीं नहीं, उजागर जो मैंने सच्चाई जो है वही बताई है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। Okay. दिल्ली पुलिस को भी बता चुका हूँ, संसदीय समिति को बता चुका हूँ। We are hitting a wall every time. That's the point. I want to get in Ajay Kumar here. We are hitting a wall every time. Every time you get into specific questions, Ajay, we are hitting a complete wall. Arnab, one question to Mr. Argal is, you know, it was a sting operation engineered by the BJP. And if the and they approached Mr. Amar Pratap Singh. So that's an established fact. So it's very strange that if somebody wants to, and even if you look at it from a basic logic, that if somebody wants to initiate and take favors, then they initiate it. But here it was our colleagues from the Bharatiya Janata Party getting in touch with Mr. Amar Singh and saying that, listen, we want to cross over. So, and why would, I mean, and it also defies the logic that, you know, that why would anybody go after the toughest group of guys, you know, if you want to, even by simple floor management, why would you go after somebody, so a political party who views very you clear is conflicting? But why don't you ask Mr. Argal directly what your question is? Briefly, put your question directly to Ashok Argal. Argal sir, मेरा ये सवाल आपसे ये है कि जब आपने ये स्टिंग ऑपरेशन इनिशिएट किया है और अमर सिंह जी से आपने अप्रोच किया था, अगर मान लीजिए कोई आपको आपके सहयोग मांग रहे थे तो वो आपको अप्रोच करते, आपने ये इनिशिएट किया स्टिंग ऑपरेशन और फिर जाकर अमर सिंह जी को जाकर बता दिया कि हमको हम आना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उस कहानी में थोड़ा सा एक अजीब ट्विस्ट है। देखिए, जो मैंने कहा है उससे कुछ हटके कुछ भी नहीं है। नहीं, कैन यू हियर? या जी, वेल आई डोंट थिंक मिस्टर अर्गल इज, ठीक से नहीं समझाऊं, नहीं आई डोंट थिंक मिस्टर अर्गल इज गिविंग मोर डिटेल्स। विनोद मेहता, मेरा कहना है कि विनोद मेहता कहना है कि अर्गल जी कि यदि आपने स्टिंग ऑपरेशन जी कैरी ऑन सॉरी अजय, यदि आपने स्टिंग ऑपरेशन को शुरू किया और अप्रोच किया था अमर सिंह जी को, अगर इन लोग को फ्लोर मैनेजमेंट करना था तो वो आपसे अप्रोच करते, लेकिन आप लोग जाकर बोले कि देखिए हमको हम इच्छुक हैं जी, तो ये थोड़ा सा कहानी जो है गले से उतरती नहीं है। किसने कहा आपको ऐसे कहने को अशोक अर्गल जी, आप खुलकर बताइए आज। किसने कहा जी? मेरी टीम में कितने लोग हैं उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं किसने कहा? तो कौन थे? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं, मैं सब समझता हूं कि मुझे उस समय जो दिमाग में आया मैंने वही किया कि कांग्रेस की सरकार अलमत में आ गई है, इसको कैसे पर्दाफाश हो। आप अकेले करना चाहते हैं? किस तरह सांसदों को खरीद रही है? आप अकेले करना कांग्रेस ने? आप अकेले कर रहे? मेरे साथ में और भी लोग थे। नहीं, मेरे साथ में और लोग कौन थे? मेरे साथ में सुधीर कुलकर्णी जी थे, मेरे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते थे, महावीर भगोड़ा थे। अब तीन लोग सरकार को गिरा रहे थे, तीन लोग अकेले, तीन लोग मिलके सरकार को गिरा रहे थे। थ्री ट्राइबल एमपी ये मनमोहन सिंह जी पूछिए जेपडी कि उन्होंने क्या सांसदों की खरीद विरोध की है या नहीं की है? आप मेरे सवाल का सीधा उत्तर नहीं दे रहे। आशीष केतान कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आशीष केतान गो है, आप आशीष केतान गो है वन मिनट। आशीष, आप तीन साल बाद मुझसे पूछ रहे हैं सवाल का जवाब? मैं अर्गल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है और सुहेल हिंदुस्तानी का फोन रिकॉर्ड ये बोलता है कि वो 19 जुलाई से उसने कांग्रेस के करीब जो भी लोग थे उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया, जो भी ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस छोटे मोटे जो उसको लगा कि कांग्रेस के करीब हैं उनसे उसने संपर्क साधना शुरू किया और उसने उन सभी लोगों से ये कहा कि मेरे पास तीन बीजेपी एमपी हैं जिसमें आपका नाम अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते, महावीर सिंह भगौड़ा, वो आने के लिए तैयार हैं, पैसा लेंगे, मैं भी कुछ पैसा लूंगा। 19 तारीख से उसने संपर्क साधना शुरू किया, लेकिन
ये क्या बात है कि सिर्फ 21 जुलाई को पहली बार सुहेल हिंदुस्तानी और सुधीन कुलकर्णी के बीच पहली बार बातचीत होती है, यानी 21 जुलाई सुबह 11 बजे से पहले सुधींद्र कुलकर्णी और सुहेल हिंदुस्तानी के बीच में कोई बातचीत नहीं है, तो उस समय 21 जुलाई से पहले सुहेल हिंदुस्तानी कैसे आपके बिहाफ पर और बाकी दोनों एमपी के बिहाफ पर कैसे बाकी लोगों से जाके मिल रहे थे कि ये तीनों एमपी और अर्गल साहब पैसे लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं 21 तारीख को सुहेल हिंदुस्तानी के कॉन्टेक्ट में आया हूँ। उससे पहले मेरी सुहेल जी से कोई बात नहीं हुई। राइट जी, I, you know, it's, 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 it
big blow up, bust up. Yeah. And I say this simply because this is being monitored by the Supreme Court. Exactly. If it was left to the political parties, I think it would be hushed up. But it is the Supreme Court which is asking the question, where did this money come from? But there is still, I come back to my significant point, that piece of theater in the Lok Sabha, where the money was shown in wads of notes, allegedly because a sting operation had been done, and at that time, the sting operation would be shown simultaneously. Now, this is the excuse for showing the notes. Yeah. But the sting operation was not shown. So that we are left with the notes. Now the notes, the Somnath Chatterjee has said that they should have come to me and told me that we were being bought. No. Mr. Advani was advised by Jaswant Singh. There's an interview in Outlook. Exactly. Where Advani said, Jaswant Singh told Advani, whatever you do, please resist from doing this, because if the cash for votes is the scandal of the century. Yep. Oops, just lost the line there with Vinod Mehta. Question two, last question to M. Arshal Krishnaswamy. M. Arshal Krishnaswamy, tell me. You Hello? Want a reopening of this whole case in the parliament? Yeah, also? Can you hear me? I can hear you. What do you want, M. Arshal Krishnaswamy, now? Yeah, so I just have one point. We've discussed this for about an hour nearly. Yes. Now, in three years, this is all this is the job of the police. Had they investigated, all these answers would have come out from the investigation. Now, they had the notes with them. We know the notes were, they originated from Karnataka and Indore, and they had asked, they did not trace that money. It must be for a reason. There has got to be a reason why this police did not pursue. I think that has got to be a story by itself, that how can a police keep quiet for 3 years on such a serious issue? And they had notes, they know the bankers, they have all the background information, but they did not bring this on paper, they did not investigate. Why? There has got to be a reason. Somebody's protecting, somebody's covering. Well, I think... Why hasn't this come out? Well, so whose interest is it to keep the police down? Well, in the interest of all the players. The interest of each and every player is there in this. To keep yes. this covered up. Each and every player in this. So my wants this covered up. My submission is this must come out. This must yes. come out. This is what we are asking the Supreme it Court today. Through, please appoint an SIT. Please appoint an SIT. That's the only way. Not Delhi Police. An SIT that goes deep into the role of everyone who was part of it. Those who claim what they did was a great thing at that point of time. Those who conducted this entire operation. The manner in which the sting was carried out. The players, the beneficiaries, the bribe givers and the bribe takers. Reopen it, even if it's after 3 years. Gentlemen, thank you very much. Thank you very, very much. We are going to follow the story hard.